तो देखो कितने गुण गिना दिए हैं ऊपर से, तप स्वाध्याय निरतम, तप और स्वाध्याय में जो लगा हुआ है, तपस्वी है जो, और वाग्विदाम वरम जो विद्वानों में श्रेष्ठ है, और गुणवान है, वीर्यवान है, धर्मज्ञ है, कृतज्ञ है, सत्यवाक्य है, सत्य बोलने वाला है, दृढ़ व्रत है, व्रत पालन करने में जो दृढ़ है, जो चरित्रवान है, और जो सब भूतों के हित में लगा हुआ है, जो विद्वान है, जो समर्थ है, जो प्रिय दर्शन है जिसका, जो आत्मवान है, जिसने क्रोध को जीत लिया है, जो द्युतिमान है, जो अनसूयक है, और देवता भी जिससे डर जाते हैं, जिसके क्रोध करने पर देवता भी डर जाते हैं। तो ये गुण हो गए 25। तो इन 25 गुणों से युक्त कौन व्यक्ति है, माने ये सारे के सारे गुण जिसमें आकर के एक जगह देखने को मिलें, एतद इच्छामि अहम श्रोतुम, ऐसे व्यक्ति के बारे में मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसके ऊपर आगे कुछ लिखना चाहता हूँ। परम कौतूहलम ही मे, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में सुनने के लिए मुझे बहुत कौतूहल हो रहा है। महर्षे तुम समर्थोसी, नारद ऋषि के लिए यह संबोधन किया जा रहा है, महर्षि, हे महर्षि नारद, आप तो इसमें समर्थ हैं, आपको तो तीनों लोकों के सब मनुष्यों के बारे में सब जानकारी है। ज्ञातुम एवं विधम नरम, ऐसे मनुष्य के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। श्रुत्वा चैतत् लोकज्ञो वाल्मीकेन नारदो वच, श्रूयताम इति चा मंत्रः प्रहृष्टो वाक्यम अब्रवीत। श्रुत्वा एतत् त्रिलोकज्ञ, त्रिलोकज्ञ माने तीनों लोक को जानने वाला, एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुन करके, जब महर्षि वाल्मीकि ने पूछा तो ऐसा सुन करके त्रिलोकज्ञ, तीनों लोकों को जानने वाला, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक, तो नारद की तीनों लोकों में गति है ऐसा माना जाता है, तो तीनों लोकों को जो जानने वाला है वाल्मीकि है, नारद वच, वाल्मीकि को नारद जी ने कहा, ऐसे बोले नारद जी, श्रूयताम मिति चा मंत्र प्रहृष्टो वाक्यम अब्रवीत, तो कहा कि सुनिए फिर, श्रूयताम इति च आमंत्र, उसको आमंत्रित किया पहले कि ठीक है यदि आप ऐसा सुनना चाहते हैं तो ऐसा सुन लीजिए, हम आपको सुनाते हैं। प्रहृष्ट, और प्रसन्न होकर के ऐसे वाक्य उन्होंने बोले। बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः, और कहा ये तो बहुत सारे आज बंदर आके बैठ गए हैं यहाँ पहाड़ के ऊपर, नीचे से लेके ऊपर चोटी तक, और हमारे आसपास भी लगता है कि ये भी रामायण सुनने के लिए ये ऐसे आके बैठते हैं सुबह शाम, जैसे ध्यान में मगन हो, कोई अपने छोटे बच्चे को लेकर के बैठे हैं साथ में कितना प्यारा सा दृश्य है। और लगता है ये अभी आगे अपने अभियान के ऊपर जा रहे हैं, दिन भर कुछ खाने पीने की खोज करेंगे ये, तो ऐसे एक एक करके इन प्राणियों से हमें ये भी सीखने को मिलता है, संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम, जैसे वेद में बोला है कि साथ मिलके चलो, संगच्छध्वं संवदध्वं, साथ बोलो, तो मतलब एकता में कितना बल है ये मैं रोज देखती हूँ इन प्राणियों को, तो ये सारे साथ ही तो सुबह निकलते हैं,
और पूरे दिन भर एक समूह में रहते हैं और साथ ही शाम को लौटते हैं। जो भी इनका अपना इन्होंने कोई स्थान निश्चित कर रखा है रात की विश्राम के लिए, तो बड़ा अच्छा लगता है इन प्राणियों का। बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः। तो इन्होंने खुश होकर के, नारद जी मुस्कुराने लगे और इस प्रकार के वाक्य बोले। इन्होंने वाल्मीकि ऋषि से इस प्रकार के वाक्य बोले कि भैया बहवो दुर्लभाश्चैव, ये तो जो आपने पूछा है ना, ये बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ मतलब बहुत कठिनाई से मिलने योग्य है ये ऐसी सामान्य बात नहीं है, क्योंकि किसी व्यक्ति में कोई एक गुण होता है तो दूसरा गुण उसमें बिल्कुल ही नहीं होता है, दूसरा दूसरी उसमें वो बिल्कुल कमजोर होता है। और आपने तो ये 25 के 25 गुण पूछ लिए हैं, तो ये सारे एक जगह इकट्ठे होना बड़ा दुर्लभ है। ये बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणा, जिन गुणों का आपने कीर्तन किया, वर्णन किया, कीर्तिता माने वर्णिता, जिनका आपने वर्णन किया है, इनका एक स्थान पे मिलना ये बहुत दुर्लभ है। लेकिन फिर भी मुने वक्षामि अहम बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयताम नर, तो भी मैं बहुत ध्यान दे रहा हूं कि किसके पास ये गुण हो सकते हैं, तो बहुत सोच विचार करके उन गुणों से युक्त व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताता हूं। श्रूयताम, आप सुनिए। इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वशी बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्हणः विपुलान् सो महाबाहु कम्बोग्रीवो महाहनुः महोरस्को महेश्वासो गूढ़जत्रुररिन्दमा आजान बाहु सुसिरा सुललाट सुविक्रमः सम सम विभागांग स्निग्ध वर्ण प्रतापवान पीन वक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान शुभलक्षणः धर्मज्ञ सत्यसंधश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्ना शुचिर्वश्य समाधिमान। तो यहाँ पर नारद मुनि कह रहे हैं कि आपने जो पूछा है, यद्यपि ऐसा मिलना बहुत दुर्लभ है, तो भी मैं विचार करके एक व्यक्ति मेरे ध्यान में आ रहा है, तो मैं उसके बारे में आपको बताता हूं, आप सुनिए। इक्ष्वाकु वंश प्रभव, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुआ है, राम नाम जनई श्रुतः, और सब मनुष्य उनको राम के नाम से जानते हैं, उनका नाम है राम। तो एक नाम राम ब्रह्मा का है, और दूसरा ये जो इक्ष्वाकु कुल में पैदा हुए हैं, दशरथ के जो पुत्र हैं, उनका नाम भी राम है। वो कैसे हैं? नियत आत्मा, नियत आत्मा महावीर्य। नियत आत्मा मतलब नियंत्रण में है आत्मा जिसके अपनी, माने वो अपनी आत्मा के जो प्रेरणा होती है उसके अनुकूल जीवन जीने वाले हैं, मन के अनुकूल जीवन जीने वाले नहीं हैं। नियत आत्मा महावीर्य अत्यंत पराक्रम वाले हैं वो। द्युतिमान बड़े तेजस्वी हैं, कांतिमान हैं। धृतिमान बड़े धैर्यवान हैं। और वशी, जिसने अपनी इंद्रियों को, मन को वश में किया हुआ है। मतलब कितनी बड़ी बात है ये, अगर अपने इंद्रियां और अपना मन अपने वश में आ जाए तो
सारी धरती के ऊपर कोई हमें दुखी नहीं कर सकता है, क्योंकि हम दुखी होते ही तब हैं कि जब कोई हमें कुछ कहता है और फिर हमारा मन दुखी हो जाता है, हम अपने मन को वश में नहीं रख पाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि वशी, जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है, नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निबर्हणः। और कैसे हैं, बुद्धिमान है, बुद्धि भी बड़ी तेज है, क्योंकि कुछ लोग बड़े श्रद्धालु होते हैं, बड़ों का सम्मान करने वाले होते हैं, तो फिर उनकी बुद्धि उतनी नहीं चलती है। तो ये राम कैसे हैं, बुद्धिमान भी हैं, नीतिमान। बुद्धि के साथ साथ यदि नीति नहीं आती है तो भी व्यक्ति कहीं ना कहीं मार खा जाएगा। फिर जैसे एक ये जो महाभारत का युद्ध हुआ, तो युद्ध के बाद जो पांचों भाई हैं वो कहने लगे कि भाई ये महाभारत का युद्ध किसने जीता। तो अर्जुन ने कहा कि ये तो मेरे गांडीव धनुष ने जीता। तो पांचों भाई बैठे थे, तो उनकी बात सुन करके भीम ने कहा भाई युद्ध तो मेरी गदा ने जीता है, बाकी आप कुछ भी कहो। तो फिर नकुल सहदेव ने कहा कि नहीं, हमारी तलवार के पराक्रम ने इस युद्ध को जीता है, हम नहीं होते तो शायद ये युद्ध नहीं जीता जाता। क्योंकि विजय के बाद ना व्यक्ति में थोड़ा घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है। तो फिर युधिष्ठिर ने कहा कि भाई अगर मैंने उस दिन ये नहीं कहा होता ना, अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजरो वा, ऐसे मैंने असत्य नहीं बोला होता, तो उस दिन तो गुरुजी सबको मार डालते, हम सबको ही परलोक भेज देते। तो ये तो मेरे कारण से ये युद्ध जीता गया है। तो भगवान कृष्ण सबकी बातें सुन रहे थे, तो उनको लग रहा था कि देखो इनमें कितना अहंकार आ गया है। तो उन्होंने कहा कि भाई इनमें देखो किसने जीता ये बात तुम्हें तो पता नहीं है, जो दृष्टा होता है दूर से देखता है उसको पता चलता है। जैसे कहीं कोई मैच चल रहा है और कोई जो रेफरी होता है जो दूर से देख रहा होता है उसको, तो वो निर्णय करता है कि वास्तव में किसने त्रुटि की, किसने अपने नियम को तोड़ा, किसने नहीं तोड़ा, कौन विजेता है। तो ये जो महाभारत का युद्ध हो रहा था उनमें एक राजा थे बबरीक, तो उन्होंने किसी भी पक्ष में भाग नहीं लिया था, तो उनका सर मांग लिया था भगवान कृष्ण ने, क्योंकि वो कौरवों के पक्ष में लड़ने के लिए कह रहे थे। और भगवान कृष्ण को ये पता था कि अगर ये उस पक्ष में चला गया तो फिर धर्म की पराजय हो जाएगी, फिर तो मतलब पांडव हार जाएंगे। तो उन्होंने उनके पास जाकर के उनका सिर मांग लिया था कि आप इस युद्ध को देखें। उन्होंने कहा कि मैं ये युद्ध जो है ये देखना चाहता हूँ, धर्म युद्ध, कि इसमें किस किस का क्या क्या पराक्रम है और इसमें किसकी विजय होती है, तो मैं इसको देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखने के लिए हम आपका सर जो है ना केवल इसको जिंदा रखेंगे, और बाकी शरीर, क्योंकि देखता देखते कभी मन में आए कि अभी जा करके हथियार उठा लेता हूँ, कहीं आप अन्याय को देखें, कहीं आप अनीति को देखें होते हुए और फिर आप हथियार उठा लें तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो उन्होंने केवल उनका सिर जिंदा रहेगा, अमर कर दिया था। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई बबरीक ने सारा युद्ध देखा है अच्छी तरह से, क्योंकि वो केवल मात्र दृष्टा था, दृष्टा ही बता सकता है केवल, तुम तो युद्ध में लगे हुए थे तुम्हें क्या पता, तो चलो उनके पास चलते हैं। तो फिर उनके पास गए सारे जने मिलके, बोल जी आप ये बताओ कि ये जो महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हमने जीता है तो इसका श्रेय किसको मिलना चाहिए, किसने जीता ये युद्ध। तो बबरीक ने कहा भाई आप सब ने पराक्रम तो बहुत दिखाया है, लेकिन वास्तव में यदि मेरे से पूछें तो मेरी दृष्टि में तो ये युद्ध भगवान कृष्ण की नीति ने जीता है। माने इनकी नीति यदि नहीं होती, नीति का मतलब क्या है, जब कर्ण अपने रथ से नीचे थे, उनके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था और वो अपने रथ के उसको टायर को पहिए को कुछ ठीक कर रहे थे, तो ठीक उस समय कृष्ण ने कहा कि अब इनके ऊपर प्रहार करो।
अगर उस समय इस नीति का काम नहीं लिया गया होता तो कर्ण कभी भी मर नहीं सकता था अर्जुन से। ऐसे ही द्रोणाचार्य का जो वध किया तो उनका पुत्र अश्वत्थामा, अगर उस समय इनकी नीति काम नहीं करती, इन्होंने ही युधिष्ठिर को प्रेरणा दी कि आप कुछ ऐसा वाक्य बोलो जिससे कि इनका पराक्रम जो है वो शिथिल हो जाए, अगर इनका पराक्रम शिथिल नहीं हुआ तो ये सारे पांडवों को मार डालेंगे। तो जब इन्होंने ही और उस व्यक्ति को इनकी नीति ने प्रेरित किया जो कभी झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि भीम अर्जुन अगर ये ही वाक्य बोलते तो शायद उनको विश्वास नहीं होता, पर युधिष्ठिर ने क्योंकि कभी असत्य नहीं बोला तो उनके वाक्य के ऊपर उनको विश्वास हो गया, तो ये वाक्य इन्होंने बुलवाया उनको। तो भाई वास्तव में तो ये युद्ध किसने जीता? कृष्ण की नीति ने जीता। अगर इनकी नीति आपके साथ नहीं होती तो आप युद्ध नहीं जीत पाते। तो इसलिए यहाँ श्री राम के जो लक्षण हैं उनमें क्या बताया? बुद्धिमान, नीतिमान। वो बुद्धिमान भी हैं और नीतिमान भी हैं, नीति को भी जानते हैं, कब कौन सा काम कैसे करना है, कहाँ करना है, कौन सा नहीं करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कब पीछे कदम हटाना है, सब नीतियाँ जानते हैं वो। और वाग्मी, वाग्मी माने वाणी में अमी है जिसके, माने सुंदर वाणी है जिनके पास। और श्रीमान, श्री का मतलब शोभा भी होता है, श्री का मतलब धन ऐश्वर्य भी होता है, तो वो श्रीमान भी हैं, ऐश्वर्यवान भी हैं और सौंदर्य युक्त भी हैं, कांति युक्त भी हैं, तो शोभायमान भी हैं। शत्रु निबरहणः, और शत्रु का संहार करने वाले हैं। निबरहण माने पीस डालने वाला, शत्रु को जो पीस डाले, तो ऐसे भी हैं शत्रु के निबरहणः। विपुलांशः, विपुल हैं अंश जिसके, अंश मतलब कंधे। विपुलांश है महाबाहु, उनके कंधे और उनकी भुजाएं बहुत स्ट्रोंग हैं, बड़ी हैं। विपुलांश है महाबाहु। कंबुग्रीव महाहनु, कंबुग्रीव, ग्रीवा उनकी लंबी है, शंख के समान, कंबू कहते हैं शंख को, शंख के समान ग्रीवा है जिसकी, ग्रीवा मतलब गर्दन, तो बड़ी गर्दन जो है वो अच्छी मानी जाती, छोटी गर्दन अच्छी नहीं मानी जाती है। शंख के समान सुंदर ग्रीवा है जिनकी। और महाहनु, हनु मतलब ठोड़ी, ठोड़ी भी जिनकी पुष्ट है, तो उनका सौंदर्य बताया जा रहा है इसमें कि वो बुद्धिमान है, नीतिमान है, वाग्मी है, श्रीमान है, शत्रु का नाश करने वाले हैं, विपुलांश है, उनके कंधे बहुत मजबूत हैं, महाबाहो उनकी भुजाएं बहुत महान हैं, कंबू ग्रीवा उनकी ग्रीवा बड़ी है और शंख के तरह से मोटी है, महाहनु उनकी ठोड़ी भी बहुत सुंदर है, मतलब देखने में वो व्यक्ति कैसे लगते हैं उसका वर्णन कर रही हैं। महोरस को महेश्वासो गूढ़ जत्रु ररिंदमः, आजान बाहु सुसिराहा सुललाट स्विक्रमः। महारस्क, उनकी छाती महान है, रस्क मतलब छाती, महारस्क छाती चौड़ी है। महेश्वास, और उनका धनुष बहुत बड़ा है, क्योंकि जिसका दिल डोल ऐसा होगा तो उनके जो अस्त्र शस्त्र हैं वो भी तो महान ही होंगे, जैसे महाराणा प्रताप का जो भाला था वो 20 किलो का बताते हैं, और जो उनका जो कवच था वो 40 किलो का, माने कुल मिला करके वो लगभग 1 क्विंटल वजन अपने शरीर पे रखते थे जब जाते थे, तो कितने महान होंगे, कितना उनका डील डोल कितना महान होगा। महारस को महेश्वास, चौड़ी छाती वाले हैं, महान धनुष है जिनका। गूढ़ जत्रु अरिंदमः, और जत्रु अरिंदमः
गले के नीचे की हड्डी, जो ये हसली हसली बोलते हैं इसको यहाँ की, जो है ये मांस से छिपी हुई है, मतलब हड्डियां नहीं चमक रही हैं। तो उनके यहाँ का जो सौंदर्य है वो भी बड़ा सुंदर है। गूढ़ जत्रु रन दमाह आ जानू बाहू, माने उसकी भुजाएं नीचे तक लटकती हैं। गूढ़ जत्रु अरिन दमह, अरि मतलब शत्रु, दमह माने दमन करने वाला। गूढ़ जत्रु माने ये जो हसली की हड्डियां हैं ये जिनकी नहीं दिखती हैं, और अरिन दमह माने अरि का दमन करने वाला, अरि माने शत्रु, शत्रु का दमन करने वाले हैं। आ जानू बाहू, जानू कहते हैं यहाँ घुटने को, और आ जानू माने घुटनों तक भुजाएं हैं जिनकी। आ जानो बाहू माने लंबी भुजाओं वाले थे, तो ये दुर्लभ ही होता है, वरना सामान्य रूप से व्यक्ति की जो भुजाओं का साइज है वो घुटने से ऊपर ऊपर ही होता है, पर उनकी भुजाएं इतनी लंबी थी। मैंने सुना है कि एक सन्यासी हुए हैं स्वामी ब्रह्मानंद जी, तो उनकी भुजाएं मैंने सुना कि यहाँ तक आती थी, घुटनों तक आती थी। ऐसे ही एक राजा हुए हैं इधर, जिन्होंने नारनौल में युद्ध किया, उनका नाम था, नाम ध्यान से निकल गया, तो उनकी भुजाएं भी घुटनों तक थी। आ जानू सुसिराहा सुललाटे सुविक्रमा, माने घुटनों तक जो भुजाएं आती हैं उनको कहेंगे आ जानू बाहू। और सुसिराहा मस्तक बहुत सुंदर है, सुललाट है ये ललाट, सिर मतलब ये और ललाट मतलब माथा, तो ये बड़े भव्य हैं। सुविक्रमा और उनका क्रमोपाद विक्षेपे धातु है, तो उनका क्रम विक्रम माने विशेष चाल है, जब चलते हैं ना तो बड़ा सुंदर लगता है, बड़ी प्यारी चाल है उनकी, मनोहर चाल है। समह सम विभागांग स्निग्ध वर्ण प्रतापवान पीन वक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान शुभ लक्षण। समह सम विभागांग, उनका शरीर कैसा है? सम सम विभागांग, सारे अंगों का जो विभाजन है वो सम है। कभी कभी किसी व्यक्ति को क्या होता है कि पेट बहुत मोटा होता है, फिर आंखें बहुत छोटी होती हैं, तो यहाँ से मुंह बहुत मोटा होता है, तो कभी आंखें छोटी छोटी होती हैं, फिर किसी का कान बहुत बड़े होते हैं, किसी के हाथ छोटे होते हैं, तो कहीं ना कहीं विषमता लगती है अंग में। तो फिर उस व्यक्ति को देख के ऐसे लगता है कि भाई इसके पास अगर ये और होता तो अच्छा लगता, इसकी आंखें छोटी हैं, अगर आंखें भी बड़ी होती तो अच्छा लगता, किसी को देख के लगता है कि इसकी नाक अगर ऐसी होती तो अच्छा लगता, किसी को देख के लगता है इसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा होती तो ये बहुत अच्छा दिखता क्योंकि नाटा है ये, किसी को देख के लगता है कि इसकी हाइट कुछ ज्यादा ही लंबी है, थोड़ी सी कम होती तो नॉर्मल होती तो ज्यादा अच्छा लगता। तो कहीं ना कोई त्रुटि किसी ना किसी व्यक्ति में मिल ही जाती है, पर यहाँ श्री राम के लिए क्या कहा जा रहा है? सम सम विभागांग, उनका शरीर और एक एक अंग प्रत्यंग सब तरफ से सम है, मतलब जितना जो होना चाहिए, जितना चौड़ा सीना होना चाहिए उतना चौड़ा सीना है, जितना पतला पेट होना चाहिए, कमर होनी चाहिए उतनी पतली कमर है, जितनी बड़ी भुजाएं होनी चाहिए, जितना ऊंचा ललाट होना चाहिए, जैसा उसका वरण होना चाहिए वो सब बिल्कुल ठीक है। कहीं ऊपर से नीचे तक कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि ये थोड़ा सा ऐसा होता तो अच्छा लगता। समय सब सम विभाग अंग स्निग्ध वर्ण, उनका वर्ण कैसा है? स्निग्ध, स्निग्ध मतलब लावण्य से युक्त, चिकना जिसको कहते हैं, तो जिसकी स्किन बच्चे की स्किन होती है चिकनी चिकनी, तो उसको कहेंगे स्निग्ध।
मक्खन जैसे मुलायम होता है ना बच्चे का त्वचा, तो ऐसे श्री राम कैसे हैं? स्निग्ध वर्ण। हाँ, उनका वर्ण माने उनका रंग वो कैसा है? स्निग्ध है, चिकना है। प्रतापवान, बड़े प्रतापी हैं वो। पीनवक्षः, पीनवक्ष मतलब विशाल है वक्षस्थल जिसका, चौड़ी है छाती जिनकी, चौड़ी छाती वाले हैं। विशालाक्षः, उनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं। और लक्ष्मीवान, शुभ लक्षण। हाँ, और वो लक्ष्मीवान है, लक्ष्मीवान माने सब प्रकार की समृद्धि है उनके पास, बाह्य शरीर की दृष्टि से भी, और उनका चरित्र भी उतना ऊंचा है, उनका मन भी बड़ा सुंदर है, उनका हृदय भी बड़ा सुंदर है, उनका चलना भी बड़ा सुंदर है, उनका बैठना भी बड़ा सुंदर है, उनका देखना भी बड़ा सुंदर है जब वो दृष्टिपात करते हैं। तो जो मधुराष्टकम हम सुनते हैं, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, तो ऐसे ही यहाँ पर श्री राम के गुणों को गिनाया गया है कि उनका जीवन भी बहुत सुंदर है, उनका शरीर भी बहुत सुंदर है, उनका चरित्र भी बहुत सुंदर है, कहीं कोई कमी निकालने के लिए गुंजाइश ही नहीं है, ऐसे हैं श्री राम। धर्मज्ञ सत्यसंधश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्ना शुचिर्वस्य समाधिमान। धर्मज्ञ हैं, धर्म के विषय में जानने वाले हैं वो। सत्य संधश्च, और सत्य की संधान में लगे रहते हैं। प्रजानाम च हिते रत, प्रजाओं का हित करने में निरंतर तल्लीन रहते हैं। नहीं तो सामान्य रूप से व्यक्ति अपना हित करने में तल्लीन रहता है, लेकिन श्री राम कैसे हैं? ये दूसरे का हित करने में तल्लीन रहते हैं। यशस्वी, बहुत उनका यश है। ज्ञान संपन्न, और वो ज्ञान से संपन्न है। यशस्वी ज्ञान संपन्न, शुचिर वश्य, वो बहुत पवित्र हैं, शुचि और वश्य, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में किया है। और बड़ी बात कही यहाँ पर, समाधिमान, समाधि लगाने वाले हैं। समाधि लगाना तो बहुत टेढ़ा काम है, राजा के कुल में पैदा होकर के समाधिमान होना, कोई हिमालय की कंदराओं में बैठ के तो समाधि लगा सकता है, लेकिन कोई राजमहल में रह करके समाधिमान हो, बड़ी दुर्लभ बात है ये। तो इस प्रकार से ये श्री राम के जो गुण हैं ये गिना रहे हैं नारद मुनि महर्षि वाल्मीकि को। तो ये संवाद बहुत ही प्यारा संवाद है, तो इसको हम जारी रखेंगे। आज समय हो गया, आज की कक्षा को विराम देते हैं, शेष चर्चा कल करेंगे। शांति शांति शांति, श्री गुरुभ्यो नमः।